और इस वक्त हम आपको हिमाचल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मस्जिद को लेकर के जो विवाद है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाए इसकी मांग की जा रही है। ये जो हिंदू संगठन है जो वहां पर इकट्ठा हुए हैं ये साफ तौर पर कह रहे हैं जिस तरीके से सिर्फ एक मंजिल की इजाजत थी फिर कैसे ये चार मंजिल बन गया, ये इसकी इजाजत किसने दी, प्रशासन का जो रवैया रहा उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं जो लोगों की मौजूदगी है किस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और इनकी सिर्फ एक मांग है जो अवैध निर्माण किया गया है यानी कि जो तीन और मंजिलें बना दी गई एक मंजिल की परमिशन के बाद उनको ध्वस्त किया जाए। तमाम हिंदू संगठन यहां पर शामिल है। तो वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है क्योंकि इस मामले पर जो अब बयान सामने आ रहे हैं चाहे असदुद्दीन ओवैसी के हों उस पर कांग्रेस भड़क रही है। लेकिन सवाल ये कि अब सुक्खू सरकार क्या करेगी, क्यों अभी तक इसको लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया, क्यों नहीं इस पर बातचीत की जा रही है, क्योंकि जो लोगों का गुस्सा है वो हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है सुक्खू सरकार की वो अब सामने आ रही है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिमाचल में आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं प्रशासन ने उस वक्त कोई कार्रवाई की, किसकी परमिशन से नक्शा पास किया, किसकी परमिशन से जो निर्माण का कार्य है वो किया गया। और ये जो पूरा मामला है अब ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन संभाला कैसे जाएगा इस मामले को, कैसे सुलझाया जाएगा ये मामला, ये बहुत इस वक्त एक तरह से कहें कि अहम सवाल है। तो स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं जो मस्जिद के नाम पर हुए अवैध निर्माण को लेकर बेहद नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने भी इसको लेकर हालांकि चिंता तो जाहिर कर दी है लेकिन जो कदम उठाया जाना चाहिए था वो नहीं है। और जो स्थानीय लोग हैं वो सीधे सीधे इस वक्त ये कह रहे हैं कि नहीं एक्शन हमें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बातों से ये मामला हल नहीं होगा, सिर्फ आश्वासन को लेकर के ये मामला हल नहीं होगा और इस मामले को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिल रहा है। हमने सदन में भी देखा था किस तरह से हंगामा हुआ इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है कि क्यों नहीं उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, क्यों नहीं गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि कम से कम लोगों की नाराजगी को दूर किया जाए। तो शिमला के पास दरअसल संजौली है जहां पर ये मस्जिद है जिसमें अवैध निर्माण किया गया, मस्जिद की इमारत में अवैध निर्माण हुआ, एक मंजिल को बनाने की अनुमति थी लेकिन एक साथ उसके ऊपर किस तरह से अवैध रूप से तीन मंजिलों को बना दिया गया। तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मस्जिद को लेकर के जो विवाद है वो गहराता जा रहा है, जो बड़ी संख्या में लोगों का विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है, सड़कों पर इस वक्त लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो एक तरह से कहें सुक्खू सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। ललित इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। ललित बताइए, लोगों का विरोध तो बढ़ता चला जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि हम चिंतित हैं, लेकिन सिर्फ चिंता जताने से क्या होगा, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा और इनकी नाराजगी को दूर कैसे किया जाएगा? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये तस्वीरें इस वक्त शिमला के संजौली की है जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। सीधे तौर पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहां पर जो अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ है उसको गिरा देना चाहिए और जिसको लेकर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो नाराज़ है। आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी है वो की जा रही है क्योंकि ये चाहते हैं कि जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण को गिराया जाए। 2010 के बाद ही यहाँ पर जो मस्जिद है उसकी तीन मंजिलों का अवैध तरीके से निर्माण है वो किया गया है जिसको लेकर तमाम तरह से जो लोग हैं वो नाराज़ है। कुछ हिंदू संगठन के लोग इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात कर लेते हैं, किस बात को लेकर नाराज़गी है? देखिए, जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ पर आके अराजकता फैला रहे हैं और जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, इवन मर्डर तक करने की कोशिश उन्होंने की है, उस चीज़ को लेकर और साथ में इस संजौली क्षेत्र में जो एक अवैध मस्जिद बनने जा रही है उसका विरोध करने के लिए हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। और अब ये चिंगारी जो है ये उठ चुकी है और आज की स्थिति ये है कि किसी भी हालत में हम किसी भी अराजक तत्व को यहाँ पर जो है शिमला में और हिमाचल प्रदेश में रहने नहीं देंगे।
तो आप क्या चाह रहे हैं कि अवैध तरीके से जो निर्माण हुआ उसको ढहाया जाए, क्योंकि ये मसला है कल विधानसभा के अंदर भी उठा है, अनिरुद्ध सिंह है, विक्रमादित्य है, उन्होंने भी कहा है कि अगर इलीगल है, अवैध है तो गिरना चाहिए, तो क्या चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि ये है भी इलीगल और गिरना भी चाहिए, और उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं इसको बनाने के लिए जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने या जिन पॉलिटिशियंस ने मदद की है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ये स्थितियां जो है आज पैदा हुई हैं। तो जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेवार है उन सबके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, और किसी भी हालत में जैसे कि आपने खुद कहा कल विधानसभा में कागज दिखाएंगे कि मालिकाना हक जो है वो सरकार का है, तो किस तरीके से इसका नक्शा जो है वो सबमिट भी हुआ, वो तो सबमिट ही नहीं होना चाहिए था जब जमीन की मालिक सरकार है। तो ये बिल्कुल अवैध तरीके से बनी मस्जिद, और बाहर से जो आए विशेष समुदाय के कुछ अराजक तत्व उनके ऊपर पूरी तरह से जो है एक्शन होना चाहिए, और ना वो तहबदारी के रूप में बैठना चाहिए और ना ही किसी और चीज के लिए। ओवैसी साहब ने कहा है कि लगता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लगता है भाजपा की सरकार है, भाजपा की बोली है वो कांग्रेस बोल रही है। देखिए, ओवैसी को तो हम वैसे ही महत्व नहीं देते क्योंकि वो एक विशेष समुदाय का ही नेता है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ आकर ओवैसी साहब आप देखिए, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, हिंदू जागा है, हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश का एक एक हिंदू जागा है, और इस मस्जिद को किसी भी हालत में गिराकर रहेगा। अगर सरकार उचित तरीके से गिराएगी हम उनका स्वागत करेंगे, और अगर नहीं तो हिंदू समाज आप देख रहे हैं हम लोग इसे गिराएंगे। और जैसा कि अपने अनिरुद्ध सिंह जी ने जो है विधानसभा के अंदर कहा है, मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा अनिरुद्ध सिंह जी को कि पार्टी से अलग हटकर उन्होंने हिंदू समाज के लिए जो आवाज उठाई है हम उसके बहुत उनके शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी तरफ जो लोकल विधायक हैं वो जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं मल्याना और संजौली को या हिमाचल को, हम उसका पूरा पूरा विरोध करते हैं, और ऐसे विधायक से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और इसका विरोध सदन में भी हुआ और सड़कों पर भी होगा। कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन आप लोगों ने दे रखी कि कब तक इसको ढहाया जाए, या फिर जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया, क्योंकि ये मामला है लंबित है, कोर्ट में लगातार इसकी सुनवाई की जा रही है, क्या चाहते हैं कानूनी तरीके से जब फैसला आए तब तक आप इंतजार करेंगे या उससे पहले ही आप लोग कोई एक्शन लेने के मूड में हैं? देखिए, हमको प्रशासन ने परसों ये समय दिया था कि शनिवार तक का हमें समय दीजिए, शनिवार को कोर्ट लगेगी और शनिवार को जो है हम उस कोर्ट में डिसीजन देंगे। हम इसीलिए आज हमने सिर्फ प्रोटेस्ट जो है सड़क पे किया है, हम मस्जिद की तरफ नहीं गए। अब हम शनिवार तक प्रशासन के निर्णय का इंतजार करेंगे, और अगर प्रशासन का निर्णय जनता की उम्मीदों के हिसाब से आएगा तो हम उसका समर्थन करेंगे, और नहीं आएगा तो हम इसका, ये 14 साल से जो है अवैध यहाँ पर निर्माण हुआ हुआ है, हम और ज़्यादा इंतजार इसके लिए करने के लिए तैयार नहीं है। आहत हुआ है क्या हिंदू जो मस्जिद का निर्माण कह रहे हैं अवैध तरीके से हुआ है, उससे हिंदू आहत है? बिल्कुल हुआ है, आप देख ही रहे हो, तभी लोग इकट्ठे हुए हिंदू, सारा हिंदू भाई जो हमारा इकट्ठा हुआ है कि जो यहाँ पर ना हक जो है उनको परेशान किया जा रहा है, हिंदू के बहु बेटियों को हमारी चलने नहीं दिया जा रहा, अलग अलग तरह के कमेंट्स जो है पास किए जाते हैं हमारी बहु बेटियों के लिए, हिंदू जागा है आज, और इसका जो है पूर्व जो विरोध करेंगे हम, और गिरनी चाहिए। हिंदू आहत हुआ है जो पूरा अवैध निर्माण हुआ है? पूरी तरह से आहत है, क्योंकि हम सभी एकत्रित इसीलिए हुए हैं, और इसके अलावा हम जाते हैं जो लोअर बाजार में इतना अतिक्रमण बढ़ गया है, तो फ्रूट बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स, वो भी हटने चाहिए। एक सवाल उन्होंने जो उठाया है विधानसभा के अंदर कि लगातार जो लोग हैं बाहर से आ रहे हैं वो अपना नाम बदलकर आइडेंटिटी को छुपाकर लगातार उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, एक विशेष समुदाय की तरफ है, उस बात को लेकर सेशन के अंदर भी कहा गया है। ये बिल्कुल सच्चाई है, और अनिरुद्ध सिंह जी ने इस बात को विधानसभा के अंदर भी कहा है, और आम जनता से भी आप किसी से पूछेंगे तो कोई सुदर्शन, कोई बबलू, कोई शामू, इस नाम से जो है आधार कार्ड से विपरीत ये लोग शहर में रह रहे हैं, और उसी हिंदू नाम की आड़ में बिजनेस कर रहे हैं, और उसी हिंदू आड़ की नाम पे जो है वो यहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं, मगर जब उनके आधार कार्ड को चेक किया जाए तो उसमें उनका मुस्लिम नाम आता है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक योजनाबद्ध तरीके से जो है ऐसे ऐसे संजौली या शिमला या हिमाचल प्रदेश में घुसे हैं, और यहाँ पर वो अराजकता फैलाने के मकसद से ही आए हैं।